सो आज हम बनाने जा रहे हैं समर बोट चाट। इसके पहले मैंने एक जैन वर्जन अपलोड किया था, अब मैं बना रही हूँ रेगुलर वर्जन। ये डाइट करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज ये फुल ऑफ प्रोटीन्स है। ये मिड मील के लिए परफेक्ट रेसिपी है। वेलकम टू साइलीज किचन। तो ऐसी और रेसिपीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, तो आपको हमारी सारे रेसिपीज मिलते रहेंगे। सो यहाँ पे मैंने चाट का बेस जो है वो ब्लैक चना लिया है एंड इसे मैंने 5 से 6 घंटे सोक किया था एंड 2 से 3 सीटियों तक पका के लिया था। अगर आपके पास सोकिंग का टाइम ना हो तो यही रेसिपी आप हरे मूंग के साथ भी कर सकते, उसे बस 2 सीटियों के लिए पका के लेना। तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून ब्लैक चना लेंगे एंड उसके साथ 1 टेबल स्पून बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, 1 टेबल स्पून चॉप्ड टमेटोज, रोस्टेड पीनट्स, ये अच्छा क्रंच ऐड करेगा एंड सेव। इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इसे फ्रेशली क्रश करके मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। स्वादानुसार नमक एंड 1/2 टीस्पून लेमन। आप यहाँ पे ग्रीन चटनी या इमली की चटनी भी इसमें ऐड कर सकते हो। फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स और इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ महीन कटा हुआ प्याज और उबला हुआ आलू। आप बची आलू की सब्जी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून दही लेंगे, उसमें हल्की सी शक्कर मिला के इसका एक स्लरी बना देंगे। अब हम फटाफट से कुकुम्बर पेस्ट बना के लेते हैं। कुकुम्बर को पहले हाफ कट कर देंगे। हल्की सी मोटी कुकुम्बर हमें यहाँ पे लेनी है ताकि इसमें हम स्टफ कर सकें एंड जो सीड्स का हिस्सा है वो हम हटा देंगे। इसी सीड्स के हिस्से को हम चाट के फिलिंग में भी डाल सकते हैं, जस्ट चॉप करके उसमें ऐड कर देना। अब हम सबसे पहले नीचे लेयर लगाएंगे दही या मेयोनीज का एंड अब इसके ऊपर वो चाट का फीलिंग ऐड कर देंगे। ये बन गया हमारा बोट चाट रेडी। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है बिकॉज इसमें हमने चना ऐड किया है विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड ओवरऑल इट टेस्ट अमेजिंग एंड ये किसी गेस्ट को भी सर्व करने के लिए बहुत अच्छा लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। इसको ऊपर से मैं बस हल्की सी सेव ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर लीव से हम इसे सजा देंगे और फिर आप टमाटोज भी ऊपर से ऐड कर सकते हो एंड हाँ, आप चाहो तो कुकुम्बर को पहले पील करके भी ले सकते हो। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन कनेक्टेड विद साइलीज किचन, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। बाय बाय।